गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट ENV, लेसन नंबर 5, आवर फर्स्ट स्कूल होम। आवर होम इज आवर फर्स्ट स्कूल, मतलब हमारा घर ही हमारी पहली स्कूल है। मेंबर ऑफ होम आर आवर फैमिली, मतलब हमारे घर के जो लोग हैं वो हमारी क्या होती है, फैमिली होती है। वी लर्न सो मेनी थिंग्स फॉर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। वी लर्न मतलब हम सीखते हैं मेनी थिंग्स, बस बहुत सारी चीज़ें फ्रॉम फैमिली मच, मतलब फैमिली लोगों से, बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स, और उससे पहले हम किसी भी जगह से सीखते हैं। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज अवर फैमिली, इसीलिए हम अपनी फैमिली से ज़्यादा क्लोज होते हैं। लेट्स अस थिंक अबाउट योर अवर फैमिली, टॉक अबाउट इट, चलिए थिंक अबाउट, हम सोचते हैं अपनी फैमिली और टॉक अबाउट इट, मतलब हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ योर फैमिली, मतलब यहाँ पे अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ कीजिए। Who all is there in your family? Write their names and how they are related to you. अब मतलब यहाँ पे आपके फैमिली में कौन कौन है वो, और आपके फैमिली के नाम और उससे रिलेटेड लोगों के नाम लिखिए, और वो आपके क्या है वो आपको लिखना है। Write the relationship between any two members of your family, such a husband, wife, brother, sister, mother and daughter. अब आपको नाम लिखना है और उनकी रिलेशनशिप लिखनी है। एग्जाम्पल दिया गया है रमेश भाई एंड रूपल, सो वो कौन है, अंकल एंड अंकल, नाइस। थिंक एंड टेल व्हाट इज योर निकनेम, मतलब आपका निकनेम क्या है, बट सॉरी बाय व्हाट नेम डू यू फैमिली मेंबर कॉल यू लविंगली, और कौन सा नाम है जो आपको फैमिली मेंबर के द्वारा दिया गया है जो आपको प्यार से आपको बुलाते हैं। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स एंड लुक एट द पिक्चर्स विच गिवन द नेक्स्ट पेज, टू पर्सन इन द पिक्चर्स लुक सिमिलर। देयर इज एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन योर वे ऑफ टॉक वॉक स्माइल इवन इन योर बुक्स विथ हुम एंड हाउ, इज देयर एनी सिमिलैरिटी, मतलब इसमें कोई सिमिलैरिटी है बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर्स, मतलब आप में और आपके किसी भी और मेंबर में ऑफ योर फैमिली, मतलब आपके फैमिली में, इन योर वे ऑफ योर टॉक, मतलब उनकी बात करने के तरीके, वॉक मतलब चलने का तरीका, स्माइल हंसने का, इवन इन योर लुक्स मतलब उसके देखाव, मतलब उसके चेहरे पे, विथ इन हुम एंड हाउ, तो फिर क्यों है। लेट्स अस हाउ रीड अबाउट सलमान फैमिली, एल्डर मेंबर्स ऑफ सलमान फैमिली, योर वर्क धोबी। अब हम पढ़ते हैं सलमान की फैमिली के बारे में। सलमान के सारे बड़े घर के जो मेंबर है सलमान की फैमिली के, वो क्या काम करते हैं, धोबी, मतलब कपड़ा धोने का। ऑल द मेंबर ऑफ फैमिलीज अ लैंड अ हैंड इन वॉशिंग, मतलब सब लोग हाथ बटाते हैं काम में। ड्राइंग एंड आयरन ऑफ द क्लोथ, मतलब कपड़ा धोने में, सुखाने में, आयरन करने में। सलमान हिज कजिन रफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क्स डन बाई फैमिली, सलमान का जो भाई है कजिन भाई रफीक, ऑल्सो लर्निंग मतलब वो भी सीखता है वर्क डन बाई फैमिली, उसकी फैमिली के काम करने का वो भी सीखता है। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली मेम्बर्स, हम अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत कुछ सीखते हैं। सलमान एंड हिज कजन रफीक लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हिज अंकल, सलमान एंड उसका भाई रफीक है वो अपने अंकल से क्या सीखे, साइकिलिंग, साइकिल चलाना। थिंक एंड टेल यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, आप अपने फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वॉट एंड फ्रॉम होम हैज़ एनी लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू, थिंक एंड राइट होम डू यू मीट राइट When I am said, I go to my, अब आप किससे मिलेंगे वो आप लिखिए,
कि अगर आप सैड हैं तो आप कहाँ पे जाएंगे. व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माय. अगर आपको किसी पास्ट पे भूतकाल के बारे में जानना है तो आप किसके पास जाएंगे. व्हेन आई वांट शेयर माय सीक्रेट्स आई गो टू माय. अगर आपको आपके सीक्रेट शेयर करने हैं तो आप किसके पास जाएंगे. अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास, अपनी बहन के पास, अपने पापा के पास, जिससे भी आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो वो आपको लिखना है कि आप किसके पास जाएंगे. व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग सो आई गो टू माय. अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आप किसके पास जाकर कहेंगे. व्हेन एवरीवन रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस. मतलब सब लोग शूज उतारते हैं घर में आने से पहले. दिस इज द कस्टम इन सुरेखा फैमिली. वो सुरेखा की फैमिली का भी कस्टम, मतलब उसका भी वो रिवाज है, मतलब वो उसके घर पे भी ऐसे करते हैं. सम ऑफ सुरेखा फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज. सम ऑफ कुछ सुरेखा के कुछ फ्रेंड आए थे एंटर द हाउस घर में आए विदाउट रिमूविंग शूज, मतलब उन्होंने अपने शूज उतारे नहीं थे. सुरेखा ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट. तब सुरेखा के दादाजी बहुत गुस्से हुए थे. आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलो बाय योर फैमिली व्हाट आर दो. मतलब अगर आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई कस्टम है तो आप यहाँ पे लिख सकती हैं.